किशनगंज गांव में रमेश नाम का एक आलसी व्यक्ति रहता था। काम करने के बजाय वो दिन रात सोया ही करता था। और एक दिन वो रहा, मेरा राजमहल। काम पर जाने के बदले राजा बनने का सपना देख रहे हैं आप। दिन रात सिर्फ खाते रहते हैं, सोते रहते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? है, आज या तो आप रहोगे या फिर मैं रहूँगी। अरे बाप रे, चलो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। बाप रे, अरे तुम कौन हो? तुम इस तरह अंधे की तरह रास्ते में क्यों चल रहे हो? कोई भला अपने मन से अंधा बनता है क्या? गरम चमचे की मार से बचने के लिए भाग रहा हूँ मैं। अरे क्या, गरम चमचे के डर से भाग रहे हो तुम? दरअसल वो मेरे पास कुछ जमीन खाली पड़ी है, उस पर खेती करने के लिए मेरी पत्नी हर रोज मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो इसका मतलब कि तुम खेती नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से कमाओगे? किस्मत से आएंगे। मैं काम किए बिना ही अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बाप रे, काम किए बगैर अमीर बनोगे? सुनो बेटा, मुझ पे जितना ज्ञान है उससे मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी नहीं है। अगर तुम साधु संतों की संगत में रहोगे तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे साधु संत मिलेंगे कहाँ पर? अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं साधु की तरह साधारण जीवन जीता हूँ। मैं आपके कहे अनुसार आ गया। आप मुझे बताइए मेरी किस्मत कैसे बदलेगी, बताइए। अरे अभी अभी तो तुम आए हो, उससे पहले तुम मेरा एक काम कर दो बेटा। तुम प्रिंट करने की दुकान में जाकर बाबा विश्वनाथ नाम के इन पर्ची लेख छपवा कर लाओ। हाँ, तो फिर मेरी किस्मत जाग जाएगी। तो फिर मैं बाबा जी बस यूं गया और यूं आया। अरे आप ज्योतिषी हैं? ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। अच्छा, क्या ज्योतिषी इंसानों की किस्मत बदल सकते हैं? साधु की किस्मत बदलने के लिए कर्म करना पड़ता है। नहीं गुरुदेव, आपने बोला था कि आप मेरी किस्मत बदल देंगे। अब आप ही मुझे बताइए मेरी किस्मत को बदलने के लिए कितने दिन लगेंगे? ये भला ऐसे मैं कैसे बता सकता हूँ? तुम्हें बस अभी मेरी बात माननी पड़ेगी। जाओ ये पर्ची लेकर लोगों में बांट दो। रमेश शहर जाकर वो सारी पर्चियां बांट आया। दो दिनों के अंदर ही ज्योतिषी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे वालसी, जाओ जाकर मेरे क्लाइंट के लिए मिठाई और पानी लेकर आओ। वो लोग आते ही होंगे। समझ गए मेरी बात तुम? क्या मैं लेकर आऊं? तो तुम नहीं तो और कौन? किस्मत बदलना चाहते हो? किस्मत बदलने की परीक्षा नहीं देना चाहते तुम? ना, इनकी नियत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। दिन भर दिन ज्योतिषी के पास इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी थी कि एक समय के बाद घर को बड़ा बनाने की वो योजना बनाने लगे। मिस्त्री ज्योतिषी के पास काम मांगने के लिए आने लगे। सुनो, तुम लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फ्री का आदमी मिल गया है। बिना पैसे दिए जिसे ऐसी सुविधा मिल सकती है वो भला मिस्त्री क्यों रखेगा? अरे सुनो बेटा रमेश, मैंने अपने मिस्त्रियों को वापस भेज दिया है, उसके बदले तुम मेरा घर बना दो, समझ गए? क्या ये कोई आसान काम है क्या? ये सब मुझसे नहीं होने वाला। आहा, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर किस्मत बदलना चाहते हो तो काम तो करना ही होगा। आप बस इतने दिनों से एक ही बात बोलते जा रहे हो, अब सच सच बताइए, क्या घर बनाने के बाद मेरी किस्मत बदलेगी? और नहीं तो क्या? आपके
के घर का काम पूरा हो गया है गुरुदेव, तो चलिए अब आप मेरी किस्मत बदल दीजिए। घर बनाकर तुमने सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? तो फिर बाबा जी और भी काम बाकी है क्या? आखिर आप चाहते क्या है बताइए जरा। आप जरूर मुझे ठग रहे हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हें ठगने वाला? मुझे तो ऊपर वाले ने जो आदेश दिया है मैं तो वही कर रहा हूँ। आप ऊपर वाले से बातें किया करते हो? और रही तो क्या, उन्होंने तो मुझसे बोला था कि काम में सभी लोगों को हटाकर सिर्फ तुम्हें रखना है। क्या मतलब? मतलब कि अब से तुम्हें जूते सिलाई करने से लेकर घर की सफाई करने तक सब कुछ करना होगा, खाना बनाना, बर्तन धोना, वो सब कुछ। मेरे क्या 20-20 हाथ है? मैं ये सब काम नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँ, अगर तुम इस परीक्षा में पास नहीं हुए तो तुम्हारी किस्मत भी नहीं बदलेगी। अरे ये क्या, नहीं नहीं मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। सुनिए गुरुदेव, आज के बाद मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगा। आप मुझसे हर दिन बहुत काम करवाते हैं, मैं काम करके बिल्कुल कमजोर हो गया हूँ बाबा जी, और तो और मेरी किस्मत भी नहीं बदली है अब तक। अरे देखो इसे, अरे तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए ही तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आज आप मेरी किस्मत बदल दीजिए वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आज से तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, लेकिन उससे पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो, आज से ये सब अच्छे से समझना होगा। मैं नहा कर आ गया हूँ, अब मेरी किस्मत बदल दीजिए। वो देखो टेबल के ऊपर चावल और मटन रखा हुआ है। रुक जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अभी वहाँ दूर रखी आसन पर बैठना होगा, तब तक मैं जरा खा लेता हूँ। मुझे यहाँ बैठा कर अकेले अकेले खाना खाए जा रहे हैं, जरा भी सभ्यता नहीं है। खाने के लिए तो तुम्हें खुद टेबल के पास आना ही पड़ेगा, खाना थोड़ी ना खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही टेबल के पास जाता हूँ। मैं इतने दिनों से यही तो समझाना चाह रहा था तुम्हें, किस्मत किसी के पास खुद चलकर नहीं आती बेटा, उसको कर्म कर पाना पड़ता है। नहीं बदलवानी मुझे अपनी किस्मत। ठग ज्योतिषी, लाइए मुझे मेरे पैसे दीजिए 2 महीने के, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। अरे ये क्या, मैं ये धान और बीज लेकर क्या करूँगा बाबा जी? ये अपने पास ही रखना, जाओ आज से अपने घर वापस चले जाओ, और वापस जाकर अपनी जमीन पर अच्छे से जुताई करना, जमीन जोतने के बाद तुम्हें वहाँ सोना मिलेगा। अरे ये क्या, हमारे पास जो जमीन है उसमें सोना है, और मुझे ये बात पता ही नहीं, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, बेकार में इतने दिन काम करवाया। ये क्या किया आपने? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो भाग्यवान? तुम ही तो मेरी चंपा हो। ये क्या आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? अरे ये क्या, अब क्या मुझे मेरा वोटर कार्ड दिखाकर अपनी पहचान बतानी होगी? तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? अरे अरे क्या ये आप हो? आप इतने दिनों के बाद आए हो, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? जरा बताओ तो मुझे, क्या हो गया है आपको? जिस दिन से मैं बाहर गया हूँ भाग्यवान, उसी दिन मेरी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई थी, और उसके बाद पता है, तो फिर अब आप यहाँ पर बैठे ही रहो। अरे मैं क्या तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ भाग्यवान? जब मैं उस ठग ज्योतिषी को धमका रहा था, तब उसने मुझे बताया कि जब हम इस जमीन पर कुछ उगाएंगे तो हमें ढेर सारा सोना मिलेगा। क्या क्या सच में? तो फिर तो देर करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ। रमेश और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर जमीन को जोत दिया, लेकिन सोने का पता नहीं। कहाँ है सोना? हाँ? उसने मुझे ठगा है, मैं उस ज्योतिषी को नहीं छोड़ूंगा। वो
वो ठग जरूर भाग गया है, भाग्यवान भाग गया है। तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? दुखी ना होकर ज्योतिषी ने जो बीज आपको दिए हैं, वो आप कल सुबह जमीन में जाकर रोप दीजिए, उससे घर पे कुछ तो पैसे आएंगे। अपनी पत्नी के कहे अनुसार रमेश ने धान और गेहूं के बीज रोप दिए। उसके बाद रमेश की जमीन पर इतनी धान और गेहूं की फसल हुई, उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले उनकी कीमत सोने से कम नहीं थी। सुनिए जी, वो मैं बोल रही थी कि आपको उस ज्योतिषी के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। खबरदार खबरदार, उस ज्योतिषी का नाम भी तुमने लिया तो उसने मुझे ठगा है। अरे क्या आप आज भी समझ नहीं पाए हैं? गुरुदेव ने आपके भले के लिए ही उस दिन वो बीज दिए थे। उन्होंने अपने पास आपको रखकर आज आपको मेहनती बना दिया है, तभी तो आज आपने इतनी अच्छी फसल उगाई है। वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रमेश ज्योतिषी को अपने घर ले आया। रमेश और उसकी पत्नी ने मिलकर ज्योतिषी की सेवा की। आज मैं आपकी वजह से एक बहुत अच्छा किसान बन पाया हूँ। अगर आप जैसे ज्योतिषी ने मुझे राह नहीं दिखाई होती तो मैं अपने कर्मों के बल पर कभी सफल नहीं हो पाता। हम लोग अपने हाथों से ही अपनी किस्मत बनाते हैं। सपने देख बगैर कर्म करते जाओ। अरे बेटा, हमारी किस्मत तो हमारे कर्म पर ही निर्भर करती है।